अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जो मेरे जैसे लोग जो एनपीआर को पसंद करते हैं, नॉट फॉर सिस्टम को, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को एचजीआरआईज नहीं मिलती होती। तो उसको या एक सोल्यूशन आज मिलाया हूँ, जो बेसिकली एक नहीं दो सोल्यूशन है। उसका वर्क अराउंड है कि हम लोग खुद से एचजीआरआईज कैसे बना सकते हैं, या जो पहले से अवेलेबल इमेजेस हैं उनसे एक्स्ट्रा हम लोग एचजीआरआईज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लें, सीन के नाम कोई लाइटिंग सेटिंग नहीं है, तो वो सारी जो एचजीआरआई है वो उसका काम था। ठीक, तो सबसे पहले हमें एचजीआरआई चाहिए पहले मेथड के लिए। तो उसके लिए आप hgrhaven.com चले जाएं। ठीक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो इसके अंदर कोई भी हाई कंट्रास्ट जो इमेज है वो आप प्रेफर की जाएगी। दूसरी इमेज से आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल हाई कंट्रास्ट में से जाकर चूज कर ले। मैंने ये ड्राइविंग स्कूल वाली एचजीआरआई है ये किया, और यहाँ से कम्प्लीटली फ्री आपको मिल जाएगी एचजीआरआई। आप अपने पसंद का साइज लेके डाउनलोड कर ले। मैंने 4K किया, 8K कर सकते हैं, 16K कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा जो आगे प्रोसेस हम लोग करते जा रहे हैं वो इसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी बड़ी इमेज है उतना ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगता है आपको, ये तो आई थिंक पता ही होगा। तो जब आपने एच डाउनलोड कर ली है तो उसके बाद आप उसे ओपन कर सकते हैं। एक फ्री प्रोग्राम जिसका नाम है गिम्प। गिम्प बेसिकली फोटोशॉप की तरह है, इमेज मैनिपुलेशन वगैरह सब कुछ इसमें होता है। ठीक, तो लेकिन हम लोग से भी आज अपनी उस जो रियलिस्टिक एच है उसे कन्वर्ट करेंगे, एनपीआर एसजीआरआई में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसका भी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पहले मेथड के लिए मैं ये गेम चाहिए, इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, तो आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद एसजीआरआई चाहिए पड़ी, ऐसे ओपन करने के लिए इस तरह करें, राइट क्लिक करें, ओपन विद। ठीक, ये गेम इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम आ रहा होगा, अगर नहीं होगा तो चूज नदर ऐप में जाके सर्च कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आमतौर पर आ जाता होगा। उसे ओपन करने के बाद हम लोग गेम में आ जाते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज है। मैं जूम इन करता हूँ। ठीक है, देखिए सब कुछ बिल्कुल असली है इसमें। तो लेकिन हम एचडीआरआई हमें लाइटिंग के लिए चाहिए होती है, बाकी एसेट्स के लिए हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप कर सकते हैं। तो उसे आपके लिए हम लोग फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। तो फिल्टर्स क्लाउड्स के लिए, जो क्लाउड बेस्ड एचडीआरआई है उसके लिए बहुत बेहतर रहती है। आप दूसरे किस्म के फिल्टर्स ट्राई कर सकते हैं। काफी सारे प्रोग्राम है, क्रीटा है, इंकस्केप है, गेम्स है, ये सारे फ्री प्रोग्राम्स हैं। इन सबसे आप अलग अलग फिल्टर इस्तेमाल करके उसे आप एनपीआर इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। तो फिल्टर्स ये काफी सारे अलग अलग फिल्टर्स हैं, लेकिन आर्टिस्टिक में जाएंगे। ठीक, कार्टून वगैरह ये आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कब तक किस तरह का एनपीआर चाहते हैं। उसके लिए तो मैं भी अभी सिंपल चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ऑल ऑफ आइट करूंगा, क्लिक किया। ठीक, तो इसका ब्रश साइज मैं थोड़ा रिड्यूस कर रहा हूँ अपने पसंद के हिसाब से, आप ज्यादा कम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इस चीज में बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। तो उसके बाद आप ओके क्लिक करें तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए सारा कुछ थोड़ा ब्लर टाइप्स हो गया, और क्लाउड्स भी देखें रियलिस्टिक अब नहीं लग रहे। तो उसके बाद इसे आप एक्सपोर्ट कर लें, फाइल एक्सपोर्ट एज। ठीक, उसके बाद आप इसकी जो फाइल टाइप है वो चेंज, ये एक्सपोर्ट ऑल फाइल्स करेंगे। ठीक है, और जो नाम जो भी रख लें, लेकिन एक्सटेंशन जो आपने डॉट एस जी आर ही रहने देनी है। डॉट एस जी आर रखते नहीं है, अगर नहीं है तो वरना रख दे, वरना खुद से चेंज कर लेनी है ताकि उस तरह से एक्सपोर्ट हो जाए। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर हम लोग ब्लेंडर में चले जाते हैं। ठीक, तो उसके अंदर ये देख लीजिए, ये वही एस जी आर आई है। इस एच जी आर आई यूज करने करके कई होगा, आप शेड राइटर में चले जाए और यहाँ पे वर्ल्ड रख लें। ठीक है, और उसे जो एच जी आर आई उसे यहाँ से ओपन कर लिया, इसका बहुत सिंपल गया। ठीक, तो ये देखें बिल्कुल वो क्लाउड्स बिल्कुल रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक टाइप से इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन नॉट रियलिस्टिक नहीं है। तो ये तो पहला मेथड है कि जो एक्जिस्टिंग एच जी आर आई है उसे हम लोग किस तरह मतलब बना सकते हैं एनपीआर एच जी आर आई में। उसकी लाइटिंग ये देखें कैमरे के थ्रू, अगर हम लोग प्ले में आपको प्ले करके काफी बार दिखा चुका हूँ, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक क्लाउड्स नहीं लग रहे हैं, थोड़े सेमी रियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक टाइप से क्लाउड्स लग रहे हैं। तो ये पहला मेथड तो ये था कि हम लोग किस तरह से एग्जिस्टिंग एच जी आर आई को कन्वर्ट कर सकते हैं एनपीआर एच जी आर आई में। लेकिन अगर आप कुछ किसी किस्म की भी इमेज अगर चाहते हो, ठीक, मतलब कोई सी भी इमेज हो, क्योंकि जरूर मतलब फिर भी आपके ऑप्शन काफी कम है ना, तो हम लोग चाहते हैं ऑप्शन हमारी थोड़ी ज्यादा हो। तो सेकंड मेथड यह है कि वो तकरीबन हर किस्म की इमेज को यूज कर सकते हैं आप, लेकिन यह है कि वो इतना एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा आपको, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप ये डाउनलोड कर लें। ठीक, तो हम लोग अब सेकंड मेथड इस्तेमाल करेंगे। इस इमेज को मैं एक एस जी आर तकरीबन एक एस जी आर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है यहाँ से। और आप लार्ज साइज कर लें या ओरिजिनल साइज करें, आपकी अपनी मर्जी है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आप जो दूसरा प्रोग्राम की हेल्प हमें चाहिए होगी वो इंकस्केप है। ठीक है, गिम्प में भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन इंकस्केप में ये है कि काफी ज्यादा इजी है इस वजह से कन्वर्ट करना। तो और इंकस्केप में आप ग्राफिक डिजाइन वगैरह भी कर सकते हैं, और डॉट एस वी जी ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा उसमें भी आप काफी हेल्प ले सकते हैं इससे। तो दोनों की फंक्शनलिटीज बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं करते, बहुत ज्यादा और काम करते हैं। तो उसके लिए अब फिर हम लोग इंकस्केप में चलते हैं। ठीक, फिर उसमें मैं करूँगा फाइल इम्पोर्ट। मैंने डेस्कटॉप पे वो इमेज रखी हुई है, आपने अगर किसी और जगह पे रखी हुई है तो आप वहां से कर लीजिएगा।
एक रोमियो विलियम्स नाम से इमेज थी। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज है। ठीक, तो इसे सबसे पहले इस कन्वर्ट करने के लिए हमें ये चाहिए कि जहाँ से स्टार्ट हो वहीं से एंड होनी चाहिए ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी फिल्टर, और इधर भी ऑयल पेंटिंग। ठीक, तो अब ये देखें, ये फिर से आप यहाँ पे भी ये देखें, उसी तरह से क्लाउडी इफेक्ट सा देना शुरू हो गया, अनपियर इफेक्ट देना शुरू हो गया। तो हमें इस इमेज को डुप्लीकेट्स का चाहिए। ठीक, इसे कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और फिर मैं इसे ये बटन दबा के यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ। ठीक, अब उसका फायदा ये होगा कि अगर आप ये देखें, ये देखें, अब ये इस तरह से कनेक्ट हो तो होता रिंग एल्स एसजीआरएस बेसिकली ये होता है ना कि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम तकरीबन होता है, समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है। फिर आप कंट्रोल दबाएं और फिर से राइट तरफ मूव करते जाएं, तो ये देखें बिल्कुल एक दूसरे के मर्ज हो गई है। और इस आप तकरीबन किसी भी इमेज के साथ कर सकते हैं इस तरह का, लेकिन यह कि इस तरह की इमेजेस जो है, सर ये देखें इनका, ये अब यहाँ से ये डार्क है लेकिन यहाँ से फिर लाइट है, फिर यहाँ से डार्क है। इस तरह की इमेजेस के साथ ये काम करना ज्यादा मुश्किल है, तो आपको ज़रा एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप मतलब इस तरह से नहीं करें। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये इस फाइनलाइज का स्टेप करके बताता हूँ, उसके बाद मैं एक और चीज अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अब ये भी दोनों को मैं शिफ्ट बैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों इमेजेस को। ठीक, ऑब्जेक्ट ग्रुप कर दिया। ठीक, लेकिन ये कि इसका जो सिलेक्शन पॉइंट है, देखिए कि सारा जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम बनेगा, तो इसे भी हमने रिमूव करना है अभी। तो उसके लिए आप पहले ये स्क्वायर वाल रेक्टेंगल टूल लें। ठीक, इसे क्लिक किया, यहाँ पे एज में देखो ऑटोमेटिक वो आपको कॉर्नर दे रहा है, क्लिक करके सारा यू कवर कर दिया। ठीक हो गया। फिर आप शिफ्ट दबा के इसे इंड्रॉइड थोड़ा सा मूव करें, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल दबा के, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इनवर्ट मूव करें, और फिर शिफ्ट दबा के आउटवर्ड वाली साइड के ऊपर से थोड़ा सा ले लें, जितना के बस आप थोड़ी सी एजेस एस की काट रहे हो। ठीक, फिर ये बटन दबा के, ठीक है, और इसके जब ये बटन मार लेंगे तो उसके बाद कुछ छोटी चीज को क्लिक ना कीजिएगा, आपको प्रॉफिट प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा इजी करना चाह रहा हूँ, ये बटन दबाएं तो ये नीचे चला जाएगा, अभी भी रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ हुआ है। फिर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट कर दें। अब वो नीचे वाला ट्रैंगल तो है ही, लेकिन ऊपर वाला ट्रैंगल भी सिलेक्ट हुआ हुआ है। ऊपर वाले ट्रैंगल को सिलेक्ट किए हुए अब सारा को आप सिलेक्ट करें। सबसे पहले ऊपर वाला ट्रैंगल सारा सिलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई वजह सिलेक्ट ना हो। और फिर सबको यूँ रोटेट करके सिलेक्ट करें, फिर ऑब्जेक्ट क्लिप सेट। अब इस तरह इससे क्या हुआ है कि वो जो उसकी एक्स्ट्रा एजेस हैं वो अब खत्म हो गई है। ठीक, तो उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का तरीका ये है, फाइल एक्सपोर्ट पीएनजी में, यहाँ पर साइड पे मेन्यू आ जाएगा, साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है आप सेव करना चाहते हैं वो कर लें। तो मेरे पास सेव की इसलिए मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग वापस ब्लेंडर में चल जाते हैं। तो ब्लेंडर में आप इसे डबल स्टिक से बेसिकली यूज करेंगे। तो फिर से शेडर एडिटर में चल जाते हैं, और इस साइड को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओपन करते हैं डेस्कटॉप एडिटोरियल, और इसका नाम इस चीज से मैंने पहले सेव किया हुआ था। अब मैं जब ब्लेंडर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो सारी एजरा इमेज आ गई है। ठीक, और उसका लाइटिंग का असर आप अगर आप देख सकते हैं, देखें उसका इसके ऊपर असर हो रहा है। ठीक, बैकफायर ये है कि ये इस तरह का जो अजीब सा वर्ड है, नीचे वाली साइड पे भी आता होता है और ऊपर वाली साइड के ऊपर भी आता है। नीचे वाली साइड पर इतना मसला नहीं है, क्योंकि यूजली वो हाइड हो जाता है, हम लोगों ने बेस रखी होती है साइड से, तो बिल्कुल ठीक है। को देखें कोई भी कोई अजीब सा नहीं आ रहा कि वो कहीं से अजीब से कनेक्ट हो रहे हो। क्लोता फ्लॉ यही है कि जो ऊपर वाली साइड पे है वो है, और इससे आप थोड़ा सा और फर्दर भी लेके जा सकते हैं अगर आप थोड़ी ज्यादा क्लीनलीनेस चाहते हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं इमेजेस प्लेन एड ऑन जो है, एडिट प्रेफरेंसेस एडऑन्स, ये बिल्ट इन एडऑन है। एक इमेजेस प्लेन से इनेबल कर लें, उसके बाद आप शिफ्ट ए दबाएं, इमेज इमेजेस प्लेन क्लिक करें। ठीक, और जो वो इमेज है उसे बुला लें। ठीक, अब इससे फायदा होगा, मेरे पास वो मटेरियल आ गया, अब सब डिलीट कर सकता हूँ, मुझे उसकी जो काम निकालना था निकलवा लिया। फिर शिफ्ट ए करें, मैश करें, और सिलेंडर ले आए। ठीक, इसे स्केल कर लें, और फिर एस शिफ्ट जेड से थोड़ा सा चौड़ाई में स्केल कर लें इसे। फिर टैब दबा के एडिट मोड में चल जाएं, और जो फेस सेलेक्ट मोड सेलेक्ट करें ऊपरला फेस, और जो शिफ्ट दबा के निचला फेस सेलेक्ट कर लें, और एक्स दबा के डिलीट कर दें उन्हें। फिर एडिट मोड से बाहर जाएं, शेड्स मोड से कर लें। ठीक, और मटेरियल टैब के ऊपर चले जाएं, वो जो एच डी आर आई वाला मटेरियल था जो इमेजेस प्लेन्स के थ्रू आया था, आपने कुछ और नाम दिया होगा, मेरा तो उसी में आ रहा है, तो उसे क्लिक करें,
तो फिर ये देखिएगा, इसके अंदर एक छोटी चीज मैं चेंज करना चाहूंगा कि इमिशन इसकी ऑन रखनी है तकरीबन तो इतनी, तो वो उतना डालने लगेगा और इससे आप यूवी एडिटर में भी चले जाएं, स्लाइड से ओपन कर लें क्योंकि अभी ये सही जगह पे नहीं है। ठीक, अब इसका इशू ये है कि ये फुल कवर नहीं कर रहा था, तो बी से बॉक्स सेलेक्ट करें, निचले से को सेलेक्ट कर लें, जी से इसे नीचे ले आए, तो अब इसका फायदा आपको क्या हुआ है कि वो सारे उसे कवर किया जा रहा है। और इमेजेस प्लेन वाले मटेरियल के साथ एक और ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरा ज्यादा बेहतर रहेगी, वो दिखाई दूँ ज्यादा बेहतर रहेगा। वो इस तरह की शिफ्ट ए, इमेज, इमेजेस प्लेन, ठीक, और वो इस तरह इमेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक, और यहाँ से प्रिंसिपल के बजाय इमिट कर दें, इम्पोर्ट इमेजेस प्लेन रखा दें, ठीक। तो इसका मटेरियल वो एसजेड के नाम से है, डिलीट कर देते हैं और इसे फिर से वो मटेरियल दे देते हैं। आई थिंक अभी मटेरियल फिक्स हो गया होगा। हाँ, ये देखिए अभी काफी ब्राइट और वाइब्रेंट लग रही है, उस तरह से आपने सही तरह से इम्प्रूव करना था। और देखिए लाइट सही प्रॉपर, तो आपने इस तरह करना है कि बाकी ये देखें, अगर आप, मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल सारा एनपीआर वाला इफेक्ट आ रहा है। ठीक, आपने बस ये करना है कि ये अब सिंगल स्टिल सीन्स हैं और यहाँ पे एसएन मेडिसिन में आपको पता है, आप करेक्टर या कैमरा ऊपर की तरफ नहीं देखेगा, नीचे की तरफ तो वैसे भी कोई मसला नहीं है क्योंकि वैसे भी आमतौर पर हम लोग उसे हाइड्रोजन रखते होते हैं। तो यही था आज के लिए एनपीआर एसजेआरएस के लिए, उम्मीद है सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों का शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।